नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको FD से 3 से 4 गुना तक रिटर्न आराम से मिल सकता है। दोस्तों, जनरली हम सब फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, बैंक में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको सेफ्टी है, जब चाहे पैसा ले सकते हैं। लेकिन ये सब एक हद तक सही है, अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है या फिर आपको अपने पैसे को बाइफर्केशन करना है, तो आप अपना पैसा ऐसी जगह लगाइए तो जहाँ से आपको FD से 3 से 4 गुना रिटर्न आराम से मिल सकता है। SBI की ये स्कीम धमाकेदार स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए ट्रस्टेबल भी बैंक है, अच्छा बैंक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कुछ खास है स्कीम के अंदर, हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, अगर आप 5,00,000 रुपये एक साथ डाल देते हो तो फिर उसके सामने आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दो मेरे यारों, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले हम दोस्तों बात करें तो इस स्कीम का नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। ये स्कीम म्यूचुअल फंड है, SBI का म्यूचुअल फंड, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। इसके अंदर हम बात करें इसकी फंड साइज के बारे में, तो दोस्तों इसका फंड साइज जो है वो 33,000 करोड़ रुपया, मतलब इतना पैसा इसके अंदर लोगों ने लगाया है, इसके फंड साइज बहुत ही अच्छा है। अभी दोस्तों आगे बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। दोस्तों, इसने रिटर्न काफ़ी अच्छा निकाल के दिया है, एक साल की बात करें तो इसने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 3.21। अभी 3 साल की बात करें तो इसने 25.35% रिटर्न निकाल के दिया है। 5 साल की बात करें तो इसने 12.31% निकाल के दिया है। और ऑल टाइम, यानी कि जब से फंड आया है तब से आज तक इसने 14.5% रिटर्न निकाल के दिया है, इसलिए काफ़ी अच्छा ये रिटर्न है इसके अंदर। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर आपको SIP करना है, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीना आपको पैसा पे करना है। जैसे आपका मानो के सैलरी आया तो मैं 500 रुपया इन्वेस्ट करूँ, यानी कि मिनिमम 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। अगर लमसम, यानी कि एक बार पैसा लगा के फिर छोड़ दो, फिर आपको पैसा नहीं भरना है, उसको बोलते हैं लमसम। लमसम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो इसके होल्डिंग्स के बारे में। होल्डिंग्स मतलब क्या, मतलब आपने जो इनमें पैसा लगाया है तो फिर SBI कहाँ पे पैसा लगा दिए, इसको हम बोलते हैं होल्डिंग। इसकी होल्डिंग की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी होल्डिंग बहुत सारी कंपनी में है। जैसे हम बात करें, आपने तो म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, अभी वो पैसे का क्या करेगा, वो पैसे अपनी तरह से अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए फंड के अंदर होल्डिंग क्या है। ए फंड के अंदर सबसे पहले हम देखें तो इसने HDFC बैंक लिमिटेड में लगाया है पैसा 9%, यानी कि पूरा फंड का 10% जो है इन्वेस्टमेंट वो HDFC बैंक के अंदर है। फिर बात करते हैं ICICI बैंक, फिर ITC है, ये भी अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी के अंदर 5% है, फिर L&T के अंदर 4.5% तक है, फिर रिलायंस के अंदर 4% है, फिर पेज इंडस्ट्री के अंदर 3.16 है, फिर महिंद्रा के अंदर 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिटानिया है, हाउस, फिर HDFC कॉरपोरेशन, यानी कि ये सब अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर SBI ने पैसा लगाया है। ABA काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि भाई डूब जाएगी, छोटी मोटी कंपनी नहीं, सब बड़ी और अच्छी कंपनी है, इसलिए इसमें बेनिफिट रिस्क कम है और रिटर्न भी इसके अंदर अच्छा आपको मिल सकता है। अभी दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.9। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, मतलब आप जो म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो तो वो पैसे को मैनेज करने के लिए आपके पास चार्ज लेता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। आपने 1,00,000 रुपया दिया तो वो आपके पास 900 रुपया चार्ज लेगा कि भाई मैं आपका पैसा मैनेज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, वो 0.9% है। और इसका एग्जिट लोड है 1%, यानी कि आपको प्री क्लोजर कर देना है, भाई मुझे पैसा चाहिए, मेरा बंद करो म्यूचुअल फंड वगैरह सब, तो आपको 1% पेनल्टी दे के यहाँ पर आप क्लोजिंग कर सकते हो। अभी हम दोस्तों आगे बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, दोस्तों इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले बात कर लेते हैं SIP के बारे में। SIP के बारे में हम बात करें तो आपको SIP, मानो कि आपने 3,000 रुपये की SIP की। SIP कौन करता है, SIP कोई भी सैलरीड क्लास से, हर महीने पगार आता है, उसके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, 25-30 हज़ार सैलरी आया, 20-22 हज़ार खर्चा हो गया, 5-5 हज़ार बचता है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्ट करता है वो SIP, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं लेकिन वो हर महीने 2-3 हज़ार रुपये निकाल सकता है, तो वो मानो कि हम 3,000 की कैलकुलेशन करें SIP के अंदर, तो 3,000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा 5 साल के लिए, तो यहाँ पे उसका टोटल जो जमा हो जाएगा 1,80,000 रुपया, और उसके सामने उसको ब्याज के तौर पे मिलेगा 81,602 रुपया,
और टोटल जो बनेगा वो 261,602, यानी कि अगर वो पाँच साल पे करता है 3,000, तो यहाँ पे 261,000 रुपया मिलेगा 5 साल के बाद। वही अगर वो कंटिन्यू करता है 10 साल तक, अगर 10 साल तक उसने कंटिन्यू किया तो टोटल उसका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 360,000, मतलब 360,000 उसने पे कर दिया और उसके सामने इंटरेस्ट बनेगा 426,000, वो इंटरेस्ट हो गया और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो गई 786,000, यानी कि 7.5 लाख रुपये आपको आराम से मिल जाएगा। अभी बात करते हैं 21 साल तक अगर आपने 3,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट किए तो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा 756,000, यानी कि आपने 756,000 इन्वेस्ट कर दिया, उसके सामने इंटरेस्ट आपको मिलेगा 38,21,000 और टोटल जो फंड हो जाएगा वो हो जाएगा 45,77,000, यानी कि कंपाउंडिंग पावर स्टार्ट हो गया है। कंपाउंडिंग पावर में क्या होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है इसके अंदर। देखो आप 21 साल में सीधा आपको 7 लाख का सीधा 45 लाख, यानी कि अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। अभी दोस्तों बात करें लमसम कौन करता है। मानो कि मेरे पास 8-10 लाख पड़े, क्या करूं भाई इसका, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, FD में रख दूं, किसी को तो दे नहीं सकते वरना उठ जाएगा तो पैसा वापस देगा नहीं, इसलिए हम करते हैं लमसम प्लान। लमसम में मानो कि हमने 5 लाख रुपये डाल दिया, फिर हमको भूल जाने का है उसको, हर महीने नहीं डालने का, एक बार 5 लाख डाला फिर भूल गए। मानो कि 5 लाख रुपया हमने डाला और 5 साल तक रखना है हमें, तो हमारा बन जाएगा इंटरेस्ट उसके अंदर 4,62,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 9,62,000, यानी कि 5 साल बाद हमारे 5 लाख की वैल्यू हो जाएगी 9,62,000 रुपया। अभी दोस्तों आगे हम बात करें 10 साल तक अगर हम पैसा रखें तो क्या है, अगर वही पाँच लाख आपने 10 साल तक रखा तो टोटल आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 13,53,000, ये जो है वो इंटरेस्ट है। अभी दोस्तों टोटल बात करें मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो पैसा मिलने वाला है वो है 18,53,000, यानी कि आप 10 साल पैसा रखते हो ये 5 लाख रुपया तो आपको 18,53,000 आराम से मिल जाएगा। अभी वही पैसा अगर आप 21 साल रखते हो तो कंपाउंडिंग पावर स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी आप कैसे ये पैसा धड़ाम से बढ़ता है, अगर हम 14% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से 5 लाख रुपया 21 साल तक रखते हैं तो टोटल आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 73 लाख, यानी कि 73 लाख रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है 78 लाख रुपया। दोस्तों देखा आपने कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये, इसके अंदर आपने 5 लाख लगा के 21 साल छोड़ दिया तो इसका आपको 80 लाख रुपया तक आपको आराम से मिल सकता है, काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर आप सैलराइड हो तो SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसे ही फंड पड़ा है FD में पड़ा है या फिर ऐसे ही सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो उसकी आप इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर डाल के लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है। और बात आती है कंपनी के, तो कंपनी तो SBI है, एकदम स्टैंडर्ड, मतलब नो टेंशन, इसके अंदर आप आज ही SBI विजिट कीजिए और अपने शक्ति के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर से ऐसे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।